अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ईयर्स की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने कैरोसेल जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किया था, क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट ईयर 13.4 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर्स ने टेलमेंट सीएसएस को अडॉप्ट किया है इंस्टेड ऑफ चाकरा। तो हम चाकरा की जो टेम्पलेट बना रहे थे इसको कम्प्लीट करके हम जो है वो टेलमेंट सीएसएस की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो आज जो है हम इसके अंदर कार्ड्स और फोटो वगैरह ऐड करेंगे और सिर्फ यही लैंडिंग पेज बनाएंगे इसका, और इससे आगे जो है वो मूव नहीं करेंगे। इसके बाद हम जो है वो टेलमेंट सीएसएस के अंदर जो है वो टेम्पलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ वीएस कोड के अंदर जो है वो हमारे पास एक छोटा सा एरर आ रहा था यहाँ पर रिएक्ट स्लिक का, यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं हुई हुई, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो नाम से पता चलता है कि टाइप सेफ है। तो यहाँ पे जो है वो हमें बता भी रहा है वीएस कोड के हमें ये कमांड जो है वो रिएक्ट स्लिक के लिए रन करनी है, तो फिर ये एरर जो है वो चला जाएगा। इस एरर को रिमूव करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जब हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको जो है अगर कोई भी एरर आ रहा हो तो फिर डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, इवन बिल्ड ही जो है वो रन नहीं होता। तो इसलिए जो है कोई भी एरर हो, कोई भी वार्निंग हो, तो उसे बेहतर है कि पहले रिमूव कर लिया जाए और फिर जो है वो बिल्ड रन किया जाए, ठीक है। तो ये एरर आया था, उम्मीद है कि इसके बाद जो है वो एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, तो इंस्टॉल हो गया, हम चेक कर लेते हैं। और तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिएक्ट स्लिक का एरर नहीं आ रहा। अगर आपने देखना हो कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, तो यहाँ पे पैकेज और जेसन की फाइल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, डेव डिपेंडेंसीज और सिंपल डिपेंडेंसीज, वो सारी की सारी जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने किसी को भी इंस्टॉल कर अनइंस्टॉल करना हो तो सिंपली npm अनइंस्टॉल और पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे cards.tsx के नाम से। हम यहाँ पे जो है वो एक कार्ड्स के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्टेंट कार्ड्स इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन। ओके, और यहाँ पर जो है हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड्स, ठीक है। और इसी तरीके से हम page.tsx में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो कार्ड्स को इम्पोर्ट करवा देंगे, इम्पोर्ट कार्ड्स फ्रॉम ./components/cards, ठीक है। और यहाँ पे कैरोसेल के बाद जो है वो हमारे पास कार्ड्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स पे वापस आते हैं और चाकरा से जो जो चीज़ें हमें चाहिए हम उनको इम्पोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लिखी हैं, इम्पोर्ट करवाई हैं, जो जिनकी मुझे ज़रूरत है। इसको जो है हम चाकरा से इम्पोर्ट करवा लेते हैं, चाकरा UI React, ठीक है। और यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने जो है ना कैटेगरीज़ जो है अपने डिस्प्ले करवानी है कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, लाइक मोबाइल्स की कैटेगरीज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जो आ जाता है वो है, उसके बाद ग्रॉसरीज़ हैं, पेट्स हैं, फैशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्प्ले करनी है। तो पहले कैटेगरीज़ आएगा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज अवेलेबल हैं वो सारी जो है हम आएंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लैक्स, और इस फ्लैक्स के अंदर जो है वो हमारे पास दो बॉक्स होंगे, ठीक है, पहला बॉक्स और ये रहा दूसरा बॉक्स। पहले बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास हेडिंग आ जाएगी कैटेगरीज़ की, हेडिंग कैटेगरीज, ठीक है। और दूसरे बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास स्टैक के अंदर दो चीज़ें आएंगी, हम एक स्टैक का टैग लेंगे स्टैक, और इसके अंदर हमारे पास पहले इमेज का टैग आएगा इमेज, ठीक है, इमेज सोर्स, और यहाँ पे हम जो है वो विड्थ इसकी दे देते हैं, लेट्स से फ़िलहाल के लिए जो है वो 7 दे देता हूँ मैं, और क्योंकि मुझे इसको सेंटर में डिस्प्ले करवाना है तो MX इज़ इक्वल टू ऑटो। ये सेंटर में जब भी आपने डिस्प्ले करवाना होता है तो MX ऑटो जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑल्टरनेट इक्वल टू, क्योंकि हमारी पहली कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके नीचे सॉरी इधर जो है हम एक लिंक का टैग लेंगे लिंक
ओके लिंक, और ये लिंक के टैग के अंदर जो है वो हमारे पास आएगा इस लिंक टू इक्वल्स टू हैश। ओके और यहाँ पे हम एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग के अंदर जो है वो हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसको जो है वो मैप के फंक्शन के थ्रू भी जो है वो सारी कैटेगरीज को ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैंने बस इसको ख़त्म करना है इस वजह से मैं जो है वो इसको बस हार्ड कोडेड जो है वो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ठीक है। टू हैश के बगैर भी जो है वो काम चल जाएगा, फ़िलहाल ये एरर दे रहा है इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ बॉक्स के अंदर भी जो है वो एक फ्लैक्स का टैग आएगा, फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम जितने भी टैग हैं हमारे उनको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, 2, 3, 4, 5। ओके सो 5 कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी, यहाँ पे ग्रॉसरी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है फैशन, फैशन, और फिर हमारे पास आ जाते हैं पेट्स, पेट्स, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पेट्स को। एक कैटेगरी एक्स्ट्रा इसको जो है हम रिमूव कर देते हैं, लिखने से बेहतर है, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास मैंने जो है वो कुछ इमेजेस पहले से जो है वो अपने पास रखे हुए हैं इमेज के फोल्डर के अंदर, इनमें से कोई भी जो है उठा लेते हैं, इमेज स्लैश मोबाइल डॉट png, और ग्रॉसरी के लिए मेरे पास ग्रॉसरी की इमेज है, स्लैश इमेज स्लैश ग्रॉसरी डॉट png। इसी तरीके से हमारे पास फैशन है, फैशन में मेरे पास शर्ट की इमेज है, ये इमेज स्लैश शर्ट डॉट png, और यहाँ पेट्स के लिए भी मेरे पास पेट की इमेज है, इमेज स्लैश पेट डॉट png। ठीक हो गया, अब इसको चल के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है जो हमें चाहिए था। इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी। पहली चीज़ बॉक्स का जो है वो बैकग्राउंड कलर है, bg कलर इक्वल्स टू ग्रे, ग्रे डॉट 200, ठीक है। राउंडेड, इसको हम करेंगे राउंडेड इक्वल्स टू फुल, राउंडेड फुल हाइट इसकी सेट करेंगे, जो कि हमारे पास आएगी अप्रोक्सीमेटली 12 वर्टिकल हाइट, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास होगी फुल, विड्थ फुल, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ओके सो विड्थ फुल आ गई है, बट ये जो कैटेगरीज हैं ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करते हैं कि हम इनका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसको जो है हम पैडिंग देंगे, पैडिंग इक्वल्स टू 4, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 2XL। और यहाँ पे नीचे जितने भी हमारे पास हेडिंग्स हैं इसको बॉक्स को हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे फ्लैक्स को ही जो है हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इक्वल्स टू 4, और गैप इक्वल्स टू 10 का गैप जो है वो हम दे देते हैं। यहाँ पे हेडिंग को जो है वो फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू XL, और यही फॉन्ट साइज जो है वो हमने सबको देना है, कॉपी फॉन्ट साइज XL, और यहाँ पे भी फॉन्ट साइज XL, इसको चेक करते हैं। ओके तो सारी लाइन में आ गई हैं, इसको बस अब हमें जो है वो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप देना है, तो इनको हमने मार्जिन लेफ्ट देना है, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट इक्वल्स टू 20, देखते हैं सेट है, मार्जिन लेफ्ट 20 जो है वो ठीक है, सेट है। इसको थोड़ी सी पैडिंग जो है वो और असाइन कर देते हैं, पैडिंग 5 कैटेगरीज को,
कैटेगरीज को ही दी है, कैटेगरीज को ही दी है, पैडिंग 5, पैडिंग 8, ओके कुछ ज़्यादा हो गई है, आई थिंक 6 इनफ होगी। ओके 6 जो है वो बिल्कुल फिट है। अब हमें जो है क्योंकि इस बॉक्स को थोड़ा सा मार्जिन टॉप देना है, तो हम यहाँ पे लेंगे मार्जिन टॉप इक्वल्स टू 20। ओके तो हमारे पास मार्जिन टॉप जो है वो 20 आ गया। अब इसके बाद हमने जो है कुछ प्रोडक्ट्स के फीचर्स हैं यानी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चाक्रा की वेबसाइट पे जाएंगे, चाक्रा, और चाक्रा के कंपोनेंट से जो है वो हम कार्ड्स का कंपोनेंट उठाएंगे। जब तक ये खुल रही है तब तक हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इस यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं products.tsx का, products.tsx, rfce, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रोडक्ट्स इक्वल्स एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स करवा देंगे। यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स, और यहाँ पे कार्ड्स के बाद जो है वो हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स डॉट टी एस एक्स के अंदर डे प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो लिखा हुआ रहा होगा। ओके प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद चाक्रा पे आएंगे तो यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक कार्ड का कंपोनेंट है, ये रहा कार्ड का कंपोनेंट। इसके अंदर जो है वो हमें कार्ड कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए कार्ड हेडर, इसको जो हम कॉपी करेंगे और यहाँ अपने पास जो है वो पेस्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ वापस आते हैं, जैसा हमें कार्ड चाहिए क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट्स को व्यू करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा वाला जो है वो कार्ड चाहिए होगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे। ओके सो यहाँ पे जो है वो हमने पेस्ट कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करने से नहीं मिली थी, तो उसके लिए हम जो है वो उन्हें इंपोर्ट कर लेंगे। स्टैक है, स्टैक को इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टैक टेक्स्ट हेडिंग इमेज, ओके कुछ रह गया वो है डिवाइडर बटन और बटन ग्रुप, डिवाइडर बटन और बटन ग्रुप, ठीक है, बटन ग्रुप, ओके तो हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास ये लग गया होगा यहाँ पे वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। अब इसको थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करेंगे और नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट मतलब ये कि हम ऐसे ही जो है वो एटलीस्ट 5 और बनाएंगे। ओके सो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा एडिट किया और इसके अंदर वही वाली इमेजेस को जो है वो कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो इस वजह से आपको कोड चाहिए तो वो मिल जाएगा, इसकी फिक्र ना करें, ठीक है। हम इसको जो है वो देख लेते हैं, तो ये जो है वो हमारे पास आउटपुट में कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब हमें जो है वो फुटर ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कॉम्पोनेंट्स के अंदर को कार्स और टी एस एक्स को बंद कर देते हैं, यहाँ पर एक फुटर डॉट टी एस एक्स जो है वो बना देते हैं, और वही सेम प्रोसीजर कॉन्स्टेंट फुटर इज इक्वल टू और रिटर्न, ठीक है, और इसी तरीके से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, यहाँ पे लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर जो है वो हमने नेव बार को इम्पोर्ट किया हुआ है, तो अब यहाँ पे फुटर को इम्पोर्ट करने की बारी है, इम्पोर्ट फुटर
फ्रॉम, चलो इसके लिए करते हैं डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश फुटर, ठीक है फुटर। और यहाँ पे चिल्ड्रन के नीचे जो है हमने बस फुटर ऐड कर देना है बस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फुटर की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है वेटिंग फॉर लोकल होस्ट, क्योंकि हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इस वजह से फुटर में जो है वो कुछ नहीं आएगा। तो हम फुटर में जाके थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, प्रोडक्ट डॉट टी एस एक्स को बंद कर देते हैं। सो फुटर को जो है वो हम वो फुटर जो है वो हमारे पास चाक्रा में बिल्ट इन अवेलेबल है। हम चाक्रा की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है चाक्रा यू आई फुटर, और ये जो लार्ज विद ऐप एंड सोशल लिंक्स है इसका जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, ठीक है, और ये सारा कोड है बेसिकली। और यहाँ पे सोशल बटन है, इसको हम चेंज कर देंगे फुटर पे, ठीक है। ये सारा जो है वो हमारे पास कोड आ गया। खैर कुछ एरर्स हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं। अच्छा तो ये जो है वो कह रहा है कि कंपोनेंट्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के बैचेस जो है वो अवेलेबल नहीं है, यानी अगर इसमें जो है ऐप स्टोर का आइकन और प्ले स्टोर का जो है वो आइकन लगा हुआ था तो कह रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है, आपको जो है वो इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ जो है वो टेम्पलेट कम्प्लीट करना चाह रहा हूँ तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको जो है पार्ट को कमेंट कर देंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंट सोशल बटन ही रहना था, सोशल बटन ये रहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, इसको जो है हम चेंज कर देते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट करवा दिया। हम इसको यहाँ पे जो है वो फुटर कर देंगे, ठीक है कॉन्स्टेंट फुटर इज इक्वल्स और एरो फंक्शन, ठीक है ओके। और अभी नीचे भी एरर्स हैं, जहाँ जहाँ पे अब ऐप स्टोर के बैजेस और प्ले स्टोर के बैजेस यूज़ हो रहे हैं उनको हमने कमेंट आउट करना है, उनको कमेंट आउट कर दिया तो यहाँ पे जो है वो एरर नहीं बचा। वापस आते हैं वेबसाइट पे, चेक करते हैं कि फुटर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ओके सो यहाँ पे जो है वो फुटर ऐड हो गया और इंस्टॉल ऐप को के नीचे जो बेसिकली बैजेस वगैरह आ रहे थे, ऐप स्टोर का बैज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा ये बैजेस जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि मैंने जो है उनको कमेंट आउट कर दिया। तो चाक्रा की जो लैंडिंग पेज की टेम्पलेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाक्रा पे मज़ीद काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आज की जो वीडियो थी वो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो से जो है हम नेक्स्ट जेएस के अंदर टेलविंड सीएसएस को जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ जो है वो टेम्पलेट्स बनाएंगे। तो अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।